This story is brought to you by tapeatale.com. नहीं नहीं भैया ये वाला नहीं दो साइज बड़ा दिखाइएगा। मम्मी यार फिर से दो साइज बड़ा सब मजाक उड़ाएंगे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा सब ऐसे ही खरीदते हैं अभी एक साल में फिटिंग की हो जाएगी सबका तो पता नहीं पर हमारे यहाँ स्कूल की सफेद कमीज ऐसे ही खरीदी जाती थी दो साइज बड़ी स्कूल हमारे जीवन का सबसे यादगार समय अब आप ऐसे समझिए कि एक क्लासरूम है आप उसमें घुसेंगे तो सामने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है जो है तो हरा पर उसे कहते ब्लैक है क्यों ये हमें आज भी नहीं पता उसके आगे टीचर की टेबल रखी हुई है उस टेबल पर एक लावारिस पड़ी पेंसिल और इरेजर है उसके पीछे टीचर की ही चेयर है जिस पर बैठने का न जाने बच्चों पर क्या फितूर सवार रहता था कि जो पीरियड के बीच में पांच मिनट का ब्रेक होता है ना उसमें जाकर उस पर विराजमान हो जाते थे जैसे वो क्वीन एलिजाबेथ का सिंहासन हो और प्यून भैया अब भी आगे ताजपोशी करके जाएंगे और इन सब के आगे उस क्लास की जान अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कोई आगे बैठा है कोई पीछे बैठा है कोई टेबल के ऊपर बैठा है कोई टेबल के नीचे बैठा है किसी से बैठा ही नहीं जा रहा कोई क्लास में ही नहीं है बाहर टहल रहे हैं मगर इन सब में और कुछ समान हो या ना हो एक चीज जो कॉमन थी वो थी इनकी सफ़ेद कमी स्कूल की वर्दी स्कूल यूनिफॉर्म अब बच्चे हैं वर्दी है तो बच्चे पढ़ेंगे भी और टीचर भी आएगी तो यूं तो टीचरें कई प्रकार की होती हैं मगर सरफेस एनालिसिस किया जाए तो मुख्य दो प्रकार होते हैं एक वो जिनका कहना होता है जियो और जीने दो जब तक आप अलग से जाके उन्हें कोई मानसिक क्षति नहीं पहुंचाते उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता और दूसरी वो जिनकी समस्या का कारण यह है कि आप हैं। मानो उनके हर प्रश्न का सार निकल के ये आता हो तुम हो क्यों और इनके इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर नहीं तो ये उस दिन की बात है जिस दिन ये दूसरे प्रकार की टीचर हमारी क्लास में आई और उनके आने की खबर पूरे कॉरिडोर में जंगल की आग की तरफ फैल गई और हम जो बाहर टहल रहे थे हम क्लास में आए इन्होंने हमें देखा हमने इन्हें देखा मोहब्बत तो नहीं हुई मगर इन्हें अपना अगला मोहरा मिल गया ऐसे छोटी छोटी आंखें करके इन्होंने हमें देखा और हमसे बोली अच्छा ये ऐसे पहनते स्कूल यूनिफॉर्म स्लीव्स क्यों मोड़ी हुई हैं ऐसे आते हैं स्कूल में अब अपना भी स्वाभिमान था ये तो कहते नहीं कि मैम मम्मी ने दो साइज बड़ी शर्ट दिला दी क्योंकि मान लीजिए कि हम कह देते कि मम्मी ने दो साइज बड़ी शर्ट दिला दी पर फिर वो हमारी डायरी में नोटिस लिखती अगले दिन मम्मी देखती हमारे नाप की शर्ट दिला देती मगर शर्ट तो हमने भोकाल में मोड़ी थी ना तो हमने बहुत ज्यादा सोचा और फिर हमारे मुंह से निकला मैम असल में गर्मी है ना नवंबर का महीना लखनऊ की ठंड और हमारे मुंह से निकला मैम गर्मी है ना इस पर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि अच्छा तो हाफ शर्ट क्यों नहीं पहनी अब मन में आया महिला स्मार्ट है तो फिर बिना सोचे समझे हमारे मुंह से निकल गया मैम ठंड भी तो है ना और यहां, यहां हम सही थे क्योंकि नवंबर का महीना लखनऊ की ठंड इस पर हमसे बोली जाओ कभी कभी पढ़ भी लिया करो और हम जाकर के अपनी जगह बैठ गए और इतनी देर में हमारे सफेद कमीज वाले सारे सिपाहियों को पूरा एंटरटेनमेंट मिल चुका था अब ये जो सफेद कमीज होती है ना ये यूं तो सफेद होती है जिसके सफेद ना होने पर आपको तमाम तरह की डांट पड़ सकती है मगर इसमें भी अपने आप में कई रंग होते हैं कई किस्से होते हैं कई कहानियां होती हैं और ये जो मुड़ी हुई स्लीव्स होती हैं ना ये तो अपने आप में इनकलाब कि देखो स्कूल प्रशासन वालों यूं तो तुम हमें बिना स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर घुसने नहीं दोगे मगर उसी यूनिफॉर्म को गलत तरह से पहनकर हम भी अंदर आएंगे कर लो जो करना है अब इतने सालों में हमसे कई बार कई लोगों ने कहा स्लीव्स खोल लो यार कभी शिष्टाचार के नाम पे कभी अनुशासन के नाम पे मगर हमने खोली खोली जैसे घातक सिचुएशंस पे पेरेंट टीचर मीटिंग जान माल का खतरा थोड़ी होने देंगे मगर वो जो एक दिन होता है ना फेयरवेल और एग्जाम से पहले वाला जब पेन पेंसिल मार्कर लेके आपके दोस्त आपके पीछे भागते हैं पुराने प्रेम प्रसंग के किस्से कमीज़ पर लिख उस उस दिन उस दिन लगा कि ये जो कमीज मम्मी ने दो साइज बड़ी दिलाई थी ये तो आज छोटी बढ़ गई तो उस दिन हमने अपनी मर्जी से वहाँ बिखरती हुई तमाम यादों को समेटने की नाकाम कोशिश में अपनी स्लीव्स खोल दी उस दिन जब हम घर गए तब एक डेढ़ घंटा उस कमीज़ पर लिखी हर चीज़ को पढ़ा जूनियर्स का लिखा दी दी वी विल मिस यू दोस्तों की लिखी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ जो कॉलर के पीछे लिखी थी ताकि माँ बाप न पढ़ लें वरना सिचुएशन घातक हो सकती थी उनकी कई सारी यादें सबके सिग्नेचर्स टीचर्स का आशीर्वाद और उस दिन वही कमीज जिसे घर जाते ही निकाल फेंकते थे कि चैन मिला अब आराम से सोएंगे आज उसी कमीज को टेढ़ा रखने में भी अजीब लग रहा था क्योंकि शायद आज वही कमीज दरगाह की चादर माता की चुनरी से भी ज्यादा पाक और पवित्र लग रही थी आज उस चादर के हर कोने से हर कोने से हर दर हर्फ सारे किस्से पढ़ने में आ रहे थे पहली शाबाशी पहला फेलियर क्लास में मिली पनिशमेंट ग्राउंड में जो भाग के बंक मारा था फिर जब धर लिए जाने पर पापा की डांट पड़ी थी सब खाने के दाग साल भर पहने बैजेस के बने छेद सब सब कुछ उस दिन पढ़ने में आ रहा था मम्मी आई और मम्मी ने कहा लाओ संभाल कर रख देते हैं बाहर रहेगी तो गंदी हो जाएगी मगर अंदर संभाल कर तो उसे रखते हैं ना जिसका कोई काम नहीं होता और ये कमीज़ ये कपड़े का टुकड़ा तो अब जीवन में जब जब हम हार जाएंगे तब हमें याद दिलाएगा अरे ऐसे कैसे अभी इस पर लिखे सारे नमूनों से किए वादे तो पूरे करने हैं तो उस कमीज को पड़े एहतियात से हमने अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले कोने में रखा है कभी आवारा से पागल से बेवकूफ़ से बच्चों के कांड सुनने हो ना, तो हमारे पास आइएगा फिर से उस कमीज़ को वहाँ से निकालेंगे और उसे परत दर परत खोलकर सारी कहानियाँ जी लेंगे